और अब मैं जब बात करने जा रहा हूँ तो मेरे माइंड में एक और ऐसे इंसान है जो कि वंडरफुल मैन है यार, वंडरफुल मैन है, और उसका नाम है नमाजुद्दीन सिद्दीकी। उस इंसान ने, वो इंसान बिहार के यूपी के छोटे से गांव में पैदा हुआ और उसने बड़े होकर एक ड्रीम ले लिया कि मुझे बॉलीवुड में जाकर राज करना, बॉलीवुड में जाके राज करना, उसने ड्रीम ले लिया अपना। तो वहां के लोगों ने बोला कि क्या पागल जैसी बातें कर रहा है, ना तो शक्ल है इसकी एक एक्टर जैसी, ना इसकी फिजिक है एक मॉडल जैसी, तो तू क्या करेगा वहां जाके। और उसकी तो जिद थी मुझे जाना है। तो फिर क्या हुआ, 1996 में निकल गए एक्टर बनने के लिए बॉलीवुड के लिए। अब जब वो बॉलीवुड गए तो उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे उस टाइम, तो वो क्या दोस्तों के साथ रहते थे, अपने दोस्तों के साथ रेंट पे रहते थे। पर एक टाइम पे ऐसा हुआ कि रेंट पे रहने के उनके पास पैसे नहीं बचे। इसके दौरान भी लोगों ने बहुत मना करा, तू चला जा वापस, तू क्या करेगा, ना शकल है, ना बॉडी है, ना तुझे बोलना आता है, ना तेरी शकल है, काला सा रखा है, कपड़े पहनने का टाइम नहीं है, तुझे बॉलीवुड में राज करना है। किसी की बात नहीं, उसका इम्पॉसिबल ड्रीम उसने ले लिया था, उसने अपना ड्रीम ले लिया। अब उसने अपने एक दोस्त को फोन लगाया कि भाई मैं तेरे साथ रह सकता हूँ। उसने बोला हाँ बिल्कुल रह सकता है, पर बस एक काम कर देना, मेरे घर के छोटे मोटे काम कर देना, खाना बना देना और लॉन्ड्री से कपड़े वगैरह उठा के ले आना। उसने बोला चलो ठीक है कर दो। अब एक चीज नोटिस कर रहे हो, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं, कुछ भी फ्री नहीं है यहाँ पर। उसने बोला चलो ठीक है। उसने वो काम क्यों करे, क्योंकि उसका ड्रीम बड़ा था। उसने बोला ठीक है मैं कर दूंगा। अब जब वो जाता था उसके साथ, वो भी बॉलीवुड में भी डायरेक्टर था, उसके घर में उसने काम करना चालू कर दिया। तो अब जब अमिताभ बच्चन आता था, वो देखता था वाह मेरे लिए भी ताली है, वो इमेजिन करता रहता था भाई लॉन्ड्री से कपड़े ला रहा है, वो देख रहा है दूर से मैं भी ऐसा हूं। फिर शाहरुख खान जब कार से उतर रहा है चौदह साल के बाद, आज नमाजुद्दीन सिद्दीकी से मिलने के लिए लोग तरसते हैं उनसे मिलने के लिए, और उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लग जाती है। आज उनकी बात हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, बोल सकते हो यार, ऐसा शांत नहीं बैठना चाहिए, बोलना चाहिए। आज उनकी बात हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो फेमस है, क्योंकि वो फेमस है। और दूसरा रीजन